नक्की पुढचं बोल आपण ऐकूस या गाण्याच्या नंतर काय होते काय गाणे कारण या गाण्यानंतर पब्लिक ने काय डान्स केला होता यूट्यूबच्या माध्यमातून व्हिडिओ बघू शकता आई गावदेवी संघाने मैदान गाजवला तर टाकला यूट्यूबला तर आपल्याला तो गाणं लगेच आपल्याला दिसेल आणि काय अफलातून गाणं रचला होता अविनाश पाटील कळवेगावचा जबरदस्त गायक सूर्यास पाटील यांची साथ होती त्याला आणि विस्फोटक मी म्हणेन तो गाणा अतिशय चालला होता गाणा बघूया पुन्हा एकदा मैदान कडवलिया येणारे 24 चेंडू विजयासाठी 68 धावेंची गरज तो चलते दोस्तों मैदान के ऊपर आने वाली 24 गेंदे और जीतने के लिए 68 रन की लक्ष्य रहेगा देखेंगे जहां तक बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाज कमलाकर यकीनन ये देखो अगर चोट आए मोच आए तो तुरंत या हमारे साथ उपलब्ध है कि इसके बाद देखा जाए हमारे दीव गांव के विद्यमान सरपंच या मौजूद है काफी अच्छे इंसान दिल खुलास इंसान है वो क्योंकि मैं कहता हूं कि अच्छे इंसान की पहचान उसके पैसों से नहीं उसके अच्छाई से होती है दोस्तों देखेंगे गेंदबाजी के लिए गेंदबाज सुशांत मोकल पेन टेनिस क्रिकेट का बाहुबली और उनके सामने है माऊ 11 नौगांव का विस्फोटक बल्लेबाज कमलाकर दादले पहली गेंद डालने के लिए तैयार सुशांत मोकल फील्डिंग लग चुकी है शॉर्ट थर्ड मैन गली के क्षेत्र में शॉर्ट फाइन लेग ओहो पहले गेंद के ऊपर ये कड़ा पहाड़ तुम शेर हो तो हम भी सवा शेर है ये दिखलाते हुए नौगांव के खिलाड़ी बजेगा गोल्डन डीजे पहले गेंद पे छक्का लगाकर खाता खोला है कमलाकर ने और इरादा फर्स्ट किया है सुशांत मोकल की अगली गेंद थोड़े से तैयार नहीं थे कमलाकर दादले काफी लाइव टेलीकास्ट इस मैच का देख रहे दोस्तों माऊ 11 नौगांव पहले गेंद पे छक्का लगने के बाद थोड़े से परेशानी में और फील्डिंग का खेमा देखते हुए जहां तक देखा जाए फील्डिंग लग चुकी है चला चला कालुंद्रे मंगलमूर्ति कालुंद्रे प्रवीण घरत की टीम और साई के प्रतीक मोकल की टीम ओहो अरे बाप रे बाप अगर ये थोड़े से परेशानी में डाल सकते थे एक अच्छी गेंद ब्लॉक होल गेंद थी समझ नहीं सके और ये मेडन गेंद यस मंगेश मात्रे कालुंद्रे आणि त्याचबरोबरती साई या दोन्ही संघांना विनंती करतो की आपण नाणेफेक बॉक्स मध्ये यायचंय साई वर्सेस कालुंद्रे आलेत का यस कोणाला घेते होते का फिर से एक बार ओहो ये गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गोली की रफ्तार की तरह गेंद जा रही है वन बाउंस टू बाउंस फोर रन्स बजेगा गोल्डन डीजे धन्यवाद डीजे फील्ड में थोड़ा फिर से एक बार परिवर्तन हो चुका है फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार सुशांत मोकल जहां तक सामने ही बल्लेबाज विस्फोटक बल्लेबाज कमलाकर दादले ओहो जैसे कि फील्डिंग चेंज की और ये आया वहां पे वन बाउंस फोर रन्स बजेगा फिर से एक बार डीजे एक मराठा वेड़ा है स्वराज्याचा शिवाजी राजाचा भगव्याचा और जिस तरह से देखा जैसे कि फील्डिंग लॉन्ग ऑन की फील्डिंग अंदर लाई टीजर के दायरे में लाई वैसे वहां शॉट खेला कमलाकर ने काफी चला के कमलाकर थोड़े से अगर वहां फील्डर थे होते तो ये शॉट नहीं खेलते थे ऐसा लग रहा है लेकिन देखेंगे फिर से एक बार सुशांत मोकल ओहो ये गेंद बढ़िया शॉट गेंद गई बाउंड रेंज से बाहर बुम बुम छक्का डीजे
कमला कर दादले और ये भी छक्का डीजे। संदेश मात्रे तुम्हाला विनंती करतो पण नानीपक बॉक्स मध्ये यायचं आहे, आपले शुभ हस्ते नानीपक केली जाईल। कालुंद्रे मंगलमूर्ती कालुंद्रे आणि इथे आलेला आहे साई संघाचा कर्णधार, दोन्ही संघांना इथं प्रथमता या सह्याद्री चषकामध्ये तुम्ही सहभागी झाल्यात, त्यामुळे नक्कीच आपलं सहर्ष स्वागत। आमचे संदेश मात्रे यांचे शुभ हस्ते नानीपक केली जाईल। यस टॉस का बॉस आणि यस टल टेल यानी की गावदेवी साई, प्रथमतः तुमचं मनपूर्वक स्वागत करतो कारण पनवेल तालुक्यातून आज तुम्ही इथपर्यंत आलेला आहात पेण तालुक्यामध्ये। आणि प्रथमतः आपण नाणेफेक जिंकलेली आहे साई संघाने, आपला निर्णय काय असेल? क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय असेल, तर क्षेत्ररक्षण करत असताना आपल्याकडे कोणते चांगले प्लेयर असतील त्यांना तुम्ही मैदानावरती घेऊन याल? कोणते गोलंदाज असतील? आपण पाहू शकता मंगलमूर्ती कालुंद्रे या संघाला किती धावसंख्येवर रोखाल, परंतु या सामन्यामध्ये खेळत असताना आपण पाहिलं असेल अनेक ठिकाणी तुम्ही खेळताय, तर या मैदानाचं एक वैशिष्ट्य आहे, बघा तुम्ही भुई सपाट आहे, विस्तीर्ण मैदान आहे, आणि या मैदानाविषयी आणि आमच्या सह्याद्री चषकाविषयी काय म्हणाल? मैदान पण खूप चांगलं आहे तुमचं आणि दोन्ही एंड आहेत। यस धन्यवाद। किती धावसंख्येवर रोखण्याचा प्रयत्न, किती धावसंख्या आपण बनवू शकाल, कदाचित रोखण्याचा प्रयत्न करू शकाल, काय म्हणाल का? कमीत कमी धाव। ओहो ये भी ये भी ये भी छक्का बजेगा डीजे। यकीनन जब देखेंगे अंपायर फैसला देंगे। देखिए बेल्स कैसे गिरी हम देखेंगे, थर्ड अंपायर की मांग हुई है। और ये छक्का रहेगा क्योंकि शॉट्स कंप्लीट होने के बाद ये बेल्स गिरी है, तो यकीनन अगर पहले गिरते तो हम देख सकते यकीनन उसके बाद आखिरी क्षण के ऊपर जो आवाज आई, जमीन के ऊपर गोला गिरा उसके बाद ये आवाज आई थी। तो यकीनन हवा तेज है इसलिए देखा जाए कभी कभी बेल्स गिरती है। नहीं रहने दो, वो देखो फिर से एक बार गिरी है, तो ये देखो बेल्स। ओके नहीं गोटे ने कहा कि बेल्स रख दो नीचे। इससे पहले धीरज पाटिल श्रुति कला केंद्र के मालक, इन्होंने भी काफी ढेर सारी शुभकामनाएं भेजी है कि गावदेव कलवा के लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर से एक बार चलते मैदान के ऊपर। ओहो ये भी गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, अंपायर ने वाइट करा दे दी, अतिरिक्त रन से टीम में बढ़ोतरी, टीम का स्कोर जाके रुका 33 रन। तो यह हवा काफी तेज है आज के दिन, फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार। ओहो ये बढ़िया कैच, पहला विकेट, पहली पतन, और ये आउट होने वाले बल्लेबाज विघ्नेश कटोर मैदान से बाहर। डीजे
धन्यवाद डीजे बाहू इलेवन नवगांव और गांव देवी कलवा के बीच का मुकाबला दोस्तों 7 गेंदों में 32 रन बना के टीम के लिए खेल रहे और ये आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। ओहो ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, अंपायर ने वाइड करा दे दी, अतिरिक्त रन से टीम में बढ़ोतरी, टीम का स्कोर जाके रुका 41-41। अभी भी 27 रन चाहिए, 13 गेंदों में 27 रन की जरूरत होगी। 41-41 आखिरी गेंद शेष इस ओवर की और एक रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 42। आने वाली 12 गेंदे और जीतने के लिए 26 रनों का लक्ष्य। चलिए ड्रिंक ट्रॉली बजाओ दमदार डीजे। धन्यवाद। इस बार देखा जाए मिथुन भोईर जो कि दादर गांव से बनाम करते हैं, उन्होंने भी इस दादर गांव और कलवा टीम के लिए बेस्ट ऑफ लक भेजा है और इस श्रृंखला के लिए भी काफी ढेर सारी बधाई भेजे कि काफी अच्छा आयोजन, काफी अच्छा नियोजन समीर दादा महात्रे चषक सहद्री चषक में और आयोजन काफी अच्छा दत्तगुरु वड़ाव टीम का। तो देखेंगे दोस्तों उसके बाद देखा जाए विवेक पाटिल कुलदेव कलवा के खिलाड़ी, उन्होंने भी बेस्ट ऑफ लक भेजा इस गांवदेवी कलवा के लिए कि आने वाली 12 गेंदे और जीतने के लिए 26 रनों का लक्ष्य। तो देखेंगे दोस्तों 12 गेंदे 26 रन और बल्लेबाजी के लिए विस्फोटक बल्लेबाज कमलाकर दादले 40+ का एक खिलाड़ी, काफी अनुभवी यानी कि राज मात्रे गेंदबाजी के लिए विनोद वाटकर है 40+ के, कमलाकर दादले नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है कि क्या अनुभव उनके पास है। लेकिन देखेंगे आने वाली 12 गेंदे अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी राज मात्रे को। कई काफी लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं इस मैच का, सभी दर्शकों को प्यार भरा सलाम। मैं हनुमान नाइक ले चलता हूं मैदान के ऊपर। आने वाली 12 गेंदे जीतने के लिए 26 रन। हो ये क्या छूटा, बढ़िया प्रयास किया था सुशांत मोकल ने, बल्ले का अंदरूनी किनारा जरूर लिया था इस गेंद ने, लेकिन देखा जाए पहले गेंद पे मिला जीवन दान मेरे ख्याल से। देखेंगे आने वाली 11 गेंदे जीतने के लिए 26 रन। अभी भी कमलाकर दादले बल्लेबाजी कर रहे, राज मात्रे की अग्नि परीक्षा फिर से एक बार और ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं और ये देखा जाए अतिरिक्त रन से टीम में बढ़ोती, टीम का स्कोर जाके रुका 43-43 रन हो चुके हैं। अभी भी जिस तरह से मैच में काफी मजा आ रहा है, सभी दर्शक इस मैच का लाइव टेलीकास्ट देखे, सभी मैदान के ऊपर खड़े हैं इस मैच के लिए और ये गेंद 1 bounce 4 runs बजेगा डीजे। जाने मेरी जाने मन। और ये चेतावनी मिली है राज मात्रे को, 10 गेंदों में 21 रन की जरूरत अभी भी, मैच में अभी भी जान बाकी, लेकिन कमलाकर दादले उस मैच के ऊपर काफी परेशानी डाल रहे हैं। देखेंगे गेंदबाजी के लिए तैयार। ओहो और ये देखा जाए एक ही रन मिली, बल्ले पे गेंद आई नहीं थी लेकिन यहां देखा जाए
एक रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 48, 9 गेंदे 20 रन। इससे पहले हमारे सोनखैर गांव का एक जबरदस्त समालोचक हमारे करीबी दोस्त परमेश पाटिल, ये भी लाइव टेलीकास्ट देख रहे, गांव द्वी कलवा के काफी बड़े फैन है वो, और जानता राजा दादर के तो बड़े फैन है, वो भी लाइव टेलीकास्ट देख रहे, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं उन्होंने भेजे इस मैच के लिए। ओहो ये ताकत, ये नजाकत है इस 40 प्लस के खिलाड़ी की, ये आया ब्रांडेड छक्का डीजे। और विनोद व्हाट करे, क्या बल्लेबाजी है 40 प्लस का खिलाड़ी, जबरदस्त इस छक्के के बदौलत टीम का स्कोर बढ़ता हुआ। और ये भी डाबर च्यवनप्राश छक्का डीजे। शिवरायांचा पाठीशी तलवारीच्या मुठीशी आम्ही कोलतो जीवाशी कणकोटांच्या सेवेशी। अब यहां सभी के इरादे स्पष्ट हुए, चेहरे देख सकते हैं आप यूट्यूब के माध्यम से। सूर्यास पाटिल थोड़े से परेशान है कि जो मैच का स्कोर था काफी लंबा स्कोर खेले थे, उसका गेंदबाज ने खराब गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, अभी भी कमबैक पा सकते हैं, आखिरी गेंद शेष है, 7 गेंदों में 8 रन की जरूरत। और ये भी छक्का, राज मात्रे की पूरी तरह से की पिटाई, 3 गेंदों में 3 छक्के डाले और ओवर की समाप्ति, बचेगा गोल्डन डीजे। माघारी हटायचा नाही, नूर छातीचा भरलेला सुटायचा नाही, रूपा पठाण्याचा मराठी पाण्याचा लेऊन अटायचा तर बोल 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 बोल। और टीम का स्कोर जाके रुका है 66, आने वाली 6 गेंदे 2 रन, ऐसा क्रिकेट भी हुआ है कि 6 गेंदों में 1 रन भी नहीं आई है, हाल ही हुए मैच में 10 विकेट हाथ में थे, उसके बाद देखा जाए काफी मजा आएगा इस मैच में। दोस्तों आने वाला 6 गेंदे 2 रन, ओके देख रहे हमारे थर्ड अंपायर, और ये 9 बॉल दिया है तो ये आखिरी गेंद पर चाहिए अभी भी 1 रन फ्री हिट। सात गेंदों में 1 रन चाहिए, यहां देखा जाए गांव देवी कलवा का यकीनन विस्फोटक बल्लेबाज है कमलाकर दादले, 5 और यहां जीत हासिल की है माऊ 11 नौगांव टीम ने, और धन्यवाद दोनों टीमों को, क्या विस्फोटक पारी खेली थी गांव देवी कलवा के सुशांत बोकल ने, 18 गेंदों में 59 रन।